जब से नीतीश ने पाला बदलकर बीजेपी के साथ नई सरकार बनाई है, तब से बिहार की सियासत में भूचाल आया हुआ है। सूबे में राजनीति गर्माहट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। एक ओर नीतीश कुमार की नई नवेली सरकार को बजट सत्र के पहले दिन यानी 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट का सामना करना है, तो वहीं दूसरी ओर विरोधी दल यानी लालू की पार्टी RJD बड़ा खेला करने की तैयारी में है। कवायदों और कयासों का सियासी बाजार भी गर्म है। फ्लोर टेस्ट को लेकर सभी दल अपने अपने विधायकों को बचाने की कवायद में जुटे हैं। कांग्रेस ने तो 19 में से 16 विधायकों को हैदराबाद भेज दिया है, लेकिन इस बीच एक ऐसी खबर आई है कि RJD नीतीश की पार्टी में बड़ी सेंधमारी करने वाली है। कांग्रेस सूत्रों का दावा है कि नीतीश की पार्टी JDU के 9 विधायक RJD और कांग्रेस के संपर्क में है, और सूत्रों का दावा अगर हकीकत में बदला तो 12 फरवरी को बड़ा खेला हो जाएगा। पहले बिहार में सीटों का गणित समझ लेते हैं। बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं, वहीं बहुमत का आंकड़ा 122 है। इस वक्त NDA सरकार दावा कर रही है कि उनके पास 128 विधायकों का समर्थन है। ऐसे में अगर नीतीश के 9 विधायकों को तेजस्वी ने साथ लिया तो NDA के पास महज 119 विधायकों का ही समर्थन रह जाएगा। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार अपनी नई नवेली सरकार बचाने में नाकाम हो जाएंगे। एक ओर कांग्रेस का दावा कि JDU के 9 विधायक नीतीश को झटका दे सकते हैं, तो दूसरी ओर जीतन राम मांझी की नाराजगी नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है, और इन दोनों मौकों को भुनाने के लिए तेजस्वी यादव कोई मौका नहीं छोड़ने वाले हैं। और तेजस्वी यादव ने तो नीतीश के धोखा देते ही कह दिया था, असली खेला अभी बाकी है। सत्ता बचाने के गेम में विधायकों की खरीद फरोख्त का गेम भी ऑन है। अब कौन किसके साथ है, या यूं कहे कौन किसको धोखा देगा, इस रहस्य से पर्दा तो 3 दिन बाद यानी 12 फरवरी को ही खुलेगा, जिसका हर कोई इंतजार कर रहा है।